कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है। बहुत वहाँ के भाषण दे के यहाँ पे से चले जाता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। सब युवा को जो अच्छा अधिक करेगा उसका ही वोट देंगे। वो जब आएवे नहीं किए, हाँ जीत के गए, वोट दिए जीत के गए और आएवे नहीं किए हैं, आए तक नहीं आए, आप पूछने तक नहीं आए हमारे गांव में, तो किस बात के उनको समर्थन करूंगा। अभी भी चल के देखिएगा, अगर एक साल में अगर बाढ़ आ जाएगा ना तो हमने के घर नदी में चला जाएगा। घूम घूम के देखने की चीज ना है कोई विकास है सर। आप भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, सब कोई सारे लोग आ रहे हैं, देखिए कि क्या विकास किए हैं चंद्रशेखर बाबू से। कोई विकास तो नहीं झलक रहा है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से विगुल बच चुका है, और ऐसे में News 22 स्कोप जहानाबाद में ये कवर करने आई है, और जिस तरीके से जहानाबाद में लोकसभा चुनाव जो है इस बार 7 चरण में होगा और 7वें चरण में जहानाबाद में भी चुनाव होना है, ऐसे में जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में जनता का क्या मिजाज है, कितना विकास हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस क्षेत्र में हम पहुँचे हैं। उनका भी कोई अच्छा माहौल नहीं है। जब हम यहाँ आपके गांव तरफ आ रहे थे तो बहुत सारा सड़क जो है, सड़क वो काफी खराब था, स्थिति काफी जर्जर था, काम कुछ हुआ नहीं है। कुछ नहीं हुआ है। सतीश दास की यहाँ कम से कम 5 बार के 6 बार हल्ला किए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हो जाएगा कर करके टहला दिया। आरजेडी के विधायक, हाँ जो आरजेडी के विधायक है सतीश दास, वो भी कुछ नहीं कहे, उस भी हाँ आरजेडी के वो भी हैं, इस बार वो भी जाएंगे, सतीश दास भी जाएंगे, सुरेंद्र यादव, हाँ वही जाएंगे, दोनों जाएंगे। विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं। किस एजेंडा पर आप लोग वोट देंगे? इसलिए नया नया उम्मीदवार खोज रहे हैं, नया उम्मीदवार जो आवेंगे आ रहे हैं अभिषेक दांगी, उन्हीं को वोट देंगे। हाँ विकास चाहिए, नौजुबा मैंने लोकसभा के कैंडिडेट हैं, सांसद के जो हैं उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। जो वादा हुआ था विधायक जी की तरफ से, सांसद की तरफ से, कुछ हुआ पूरा? कुछ नहीं, सड़क नाली कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं पूरा हुआ, कुछ नहीं, 5 साल के अंदर कुछ पूरा नहीं हुआ। लेकिन चंद्रेश्वर प्रसाद तो दावा करते हैं कि जहानाबाद में पूरा विकास हुआ है। कहाँ दावा करते हैं, तो देखिए घूम घूम के, घूम घूम के देखने की चीज ना है कोई विकास है सर। आप भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, सब कोई सारे लोग आ रहे हैं, देखिए कि क्या विकास किए हैं चंद्रेश्वर बाबू से। कोई विकास तो नहीं झलक रहा है। युवा विकल्प इस बार हाँ, हाँ चंद्रेश्वर दांगी अथी चंद्रवंशी के तो ही देखते हैं कि आते हैं तो खास खास जगह पर मैंने बैठते हैं, वह या टेटा पेट्रोल पंप है, वही जगह तो उनका डेरा रहता है, और बाद कहाँ गया जनता से तो कोई सोचे ना है, यही तो मैंने देखा 5 साल का। आप तो युवा हैं, कितना विकास हुआ है, क्या काम हुआ है? सुनिए सर, हमारे कहने का मतलब है कि अगर वोट लेने आते हैं तो आप छोटा रहिए, हम छोटा रहें, वो बड़ा रहें, आपको पैर पकड़ लेंगे। जब वोट खत्म हुआ, जीत गए, आप उनको पकड़िए, नहीं पकड़ने देंगे। अगर 4 साल के बाद, अगर 2 साल के बाद अगर कस के बाढ़ आ जाएगा ना, तो मेरा घर सारा नदी में चला जाएगा। अभी नहीं चल के देख लीजिए। अच्छा। कोई उधर बोला गया कि इधर पिलर भरा देंगे, बोल्डर गिरा देंगे, कुछ नहीं हुआ। अभी भी चल के देखिएगा, अगर एक साल में अगर बाढ़ आ जाएगा ना, तो हमने के घर नदी में चला जाएगा। जहानाबाद में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, अपना मन का। आप लोग वोट देते हैं? तो देते तो नया तो उम्मीदवार खोज रहे हैं जो बढ़िया रहे, संतुष्टि रहे। सुरेंद्र यादव इस बार आरजेडी से है। सब आते हैं सलामी ठोकने के लिए, खाली आए हैं वोट लिए चला गए। हाँ, और कोई मतलब नहीं है जीतने के बाद। क्या मिजाज है इस बार आप लोग? मिजाज है नया कैंडिडेट देख रहे हैं, बढ़िया लगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार आएंगे। आदमी दे एक बार से कुछ नहीं होता है, बिना 3-4 बार आए कुछ नहीं होगा। आदमी आएगा, अभी इतना भीड़ है, अब की बार आएंगे 100 गो होगा, अब फिर आएंगे 500 भीड़ होगा, उस हिसाब से देखेंगे। चेहरा अब चार, हाँ नया चेहरा। ईश्वर प्रसाद काम किए हैं जो जेडीयू से, यहाँ देख रहे हैं ना सर, 5 साल से रोड क्या स्थिति है, कर ही देते तो नहीं हम देखते। जो आदमी यहाँ से टेटा जाने में 2 मिनट लगता है, अभी के डेट में 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा जाने में। कोई काम नहीं है, खाली अपना मन के हैं बस। मतलब कोई काम नहीं हो रहा है? कोई काम नहीं। अच्छा, कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे, किस मुद्दा पर इस बार जो है चुनाव में आप लोग वोट, क्या माहौल है जहानाबाद में? नया नया आवेंगे, देंगे, जीतेंगे। अभी जो काम जो सांसद है विधायक है सतीश दास, काम किए क्षेत्र में? नहीं, नहीं काम किए हैं,
काम करने वाला आवेंगे तो देंगे, मतलब काम कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कुछ काम नहीं हुआ है। कैसा है माहौल इस बार चुनाव में जहानाबाद की जनता, किधर है, क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं चुनाव, क्योंकि अब तो समय काफी कम है। वो तो 5 साल देख लिए, आप लोग भी आ जाइए ना, यहाँ कोई काम तो हुआ नहीं है। काम कल्लौर पंचायत में तो हम लोग हैं, और क्षेत्र में तो जहानाबाद पूरा नहीं घूमे हैं, लेकिन हमारे पंचायत में कोई काम नहीं हुआ। कई घर नदी के किनारे पे है, सब बाढ़ आएगा तो कब नदी में बह जाएगा। कितने लोग आए कहे विधायक के चुनाव में, कहे कि जब बोल्डर बिछवा देंगे छठ के लिए, वहाँ पे मंदिर है, सीढ़ी बनवा देंगे, सब करवा देंगे, कोई काम नहीं हुआ। कह के गए हैं, इस बार क्या मूड है आप लोग का, वही तो पूछ। इस बार मूड है बस नया, हम अपना समाज के लोग के देख रहे हैं, चेहरा खोज रहे हैं, नया चेहरा खोज रहे हैं कोई है, क्योंकि निर्दलीय से इस बार अभिषेक डांगी भी जो है अब उतरेंगे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। हाँ, तो उनका बात समझे ना, हम लोग समझ लिए, काम के लिए आगे कह रहे हैं, इन्हीं को समर्थन करेंगे। वो तो समर्थन करेंगे, अगर और लोग समर्थन कर दिए हमारे समाज के, अगर जीत गए तो 5 साल में तो अभी क्या करेंगे हम लोग के बारे में पता लग ही जाएगा, क्योंकि पुराने लोग को तो पता चल चुका है, पुराने लोग को तो पता चल गया कि कुछ किए नहीं, कुछ किए नहीं, तो नया करेंगे, लाएंगे उनको, लोग साथ देंगे समाज के, तो आ जाएंगे, तो फिर समझ में आ जाएगा इनको भी 5 साल में क्या हम लोग के लिए कर रहे हैं। अच्छा चाचा, क्या नाम है आपका, थोड़ा बताइएगा। मेरा नाम राम प्रवेश सिंह है। थोड़ा तेज के बोलिएगा। राम प्रवेश सिंह है। राम प्रवेश, कह रहे हैं कि जहानाबाद में कितना विकास हुआ है, चुनाव अभी सर पर है, आपके पहले जो सांसद है जेडीयू से चंदेश्वर प्रसाद, फिर से वो उम्मीदवार हैं आरजेडी से सुरेंद्र यादव, और इंडिपेंडेंट इस बार जो है अभिषेक दांगी, तो उससे पहले कौन क्या चुनाव लड़े उससे मतलब नहीं, लेकिन काम कितना हुआ जहानाबाद में, दावा जो किया गया वर्तमान सांसद के द्वारा, पिछले जो सांसद, कितना काम हुआ जहानाबाद में? कुछ जो है कि यहाँ विकास का काम नहीं हुआ है, विकास का काम कुछ नहीं हुआ है, एक भी काम नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ है, मतलब कुछ नहीं है जहानाबाद में जो काम किए, नहीं। विधायक आपके जो सतीश दास है, कितना काम किए, जो कुछ काम नहीं किए हैं, कुछ काम नहीं किए हैं, आए तक नहीं है। कहते हैं कि पूरा जहानाबाद में विकास हुआ है, चंदेश्वर प्रसाद भी कहते हैं कि पूरा विकास हुआ है, विकास क्या हुआ, कुछ नहीं विकास हुआ है, नहीं विकास हुआ है। तो क्या माहौल है इस बार, क्या सोच रहे हैं? माहौल जो अभी वर्तमान में आए हैं आप लोग, हम इनके बातों से खुश हैं, और हम जो है कि समर्थन करते हैं, मैं समर्थन करता हूं इनको। अच्छा, कितना जो तीन प्रत्याशी हैं जेडीयू से चंदेश्वर प्रसाद, फिर से जो हैं प्रत्याशी हैं जहानाबाद के, फिर आरजेडी से सुरेंद्र यादव, और एक निर्दलीय से अभिषेक दांगी जो युवा हैं, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है इस बार, किस तरह देखते हैं? इनकी सारे बातों जो बोले उस समझ बूझ कर करके हम इनके सारे बातों से खुश हैं, और हम इनका समर्थन करते हैं, और इनको जो है कि यहाँ के ग्रामवासियों से भी कहूँगा कि इनको जो है कि समर्थन कीजिए हम लोग, मतलब युवा को चाहते हैं इस बार समर्थन करें। हाँ, सुरेंद्र यादव और चंदेश्वर प्रसाद की तरफ नहीं जा रहे आप लोग? नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि विकास नहीं, भी कहेंगे कि एकदम नहीं जाना है। क्यों आखिर से पीछे, कारण क्या है, क्यों इतना खुश नहीं है, जो लोग से कहेंगे कि नहीं वोट देना है? वो जब आएवे नहीं किए, हाँ जीत के गए, वोट दिए जीत के गए, और आएवे नहीं किए हैं, आए तक नहीं है, यहाँ पूछने तक नहीं आए हमारे गांव में, तो किस बात के उनको समर्थन करूँगा, नहीं करूँगा, तो कभी क्षेत्र में आए ही नहीं, बोलो नहीं, दावा करके भी नहीं है, नहीं आए, नहीं आए। स्थिति सड़क का भी काफी खराब है जहानाबाद, हम लोग देखे जिस तरीके से जब यहाँ आए, सड़क का स्थिति काफी खराब है, सड़क का स्थिति, हाँ सड़क का स्थिति बहुत खराब है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है सड़क पर, कई किस तरह से यहाँ के जनता लोग जो है कि जाता है आता है, बच्चा बच्ची सब पढ़ने जाती है, बच्चा जाता है, लेकिन कोई इस रोड पर जो है किसी को ध्यान नहीं है, नहीं ध्यान है, मतलब इसलिए आप लोग इस बार जो है दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं? हाँ, विकल्प ढूंढ रहे हैं।
चलिए, तो जिस तरीके से जो जहानाबाद में जो क्षेत्र की समस्या है उसको लेकर विकल्प लोग ढूंढ रहे हैं और आरजेडी के जो विधायक हैं यहाँ से सतीश दास, उनसे काफ़ी नाखुश हैं लोग, कुछ यूथ भी हैं यहाँ पर, उनसे हम जरूर बात करेंगे कि आखिर जो युवा लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उन लोग से बात करेंगे, आप लोग से थोड़ा बात करेंगे, आप लोग सब युवा हैं, क्या कहेंगे इस बार जहानाबाद में कैसा माहौल है, कितना विकास हुआ है, क्या काम हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ के जो विधायक हैं सतीश दास, कितना काम किया है? कुछ नहीं, चप्पल से मारना खोजता है उसको, जूता चप्पल से मारेंगे, आवेगा तो आपकी, आएगा तो आप लोग मारिएगा। हाँ, अब क्या करेंगे, खाली कुछ नहीं आते हैं, कुछ नहीं करता, अभी रोड देखा कुछ नहीं हुआ, सतीश दास कहेंगे पूरा विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ। मेला रोड में गो तो नली और गली वाला तो सुधर भी नहीं किया है, रोड गाड़ी पलट और प्लस में हमने के गांव वाला कैसे बन जाएगा, वो तो अब बन ही नहीं रहा है। आदमी एगो अगर अभी के डेट में एगो मरीज के लेके जाए में, डिलीवरी पेशेंट के लेके जाए में, उसको स्कॉर्पियो चाहे फोर व्हीलर लेके जाए पड़ेगा, बाइक से ऑटो से आदमी नहीं ले जा सकता है, ताकि इतने उच्च खबर है, इतना खराब रोड है, कैसे ले, कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? राजकुमार। इस बार क्या माहौल है जो चुनाव सर पर है, किधर यहाँ के जो इस गांव का नाम आपने क्या बताया, धाव पर क्या इस बार क्षेत्र की जनता क्या सोच रही है, किधर रुझान रहेगा चुनाव में, किधर जो बढ़िया काम करेगा उधर ही जाएगा। और प्रत्याशी तो है जेडीयू से चंदेश्वर प्रसाद, आरजेडी से सुरेंद्र यादव और एक निर्दलीय कैंडिडेट लड़ रहे हैं, नहीं कुछ काम ही नहीं किए तो फिर उधर जाने से क्या फायदा। चंदेश्वर प्रसाद भी कोई काम नहीं, कोई काम नहीं किया, जो पहले सांसद रह चुके हैं कोई काम नहीं, कुछ नहीं किया। सुरेंद्र यादव कुछ भी नहीं किया, तो इस बार कहाँ लेने आते हैं, खाली बस चले जाते हैं, तो इस बार किधर रुझान रहेगा, किधर अब किधर है, माहौल क्या है, किधर देख, अभी तो शुरू हुआ है, क्या बोले अभी, लेकिन इधर तो आप लोग बता रहे हैं कि सुरेंद्र यादव और चंदेश्वर प्रसाद नहीं, सतीश दास भी कोई काम किए नहीं, कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे, कैसा माहौल है, कितना विकास हुआ है जी गांव में? विकास तो 1% भी नहीं हुआ इधर अभी, माहौल के अनुसार देखा जाएगा। इसे तो हम लोग सपोर्ट पूरा करेंगे अपना दांगी समाज को, दांगी समाज को सपोर्ट करेंगे अभी फिलहाल में, दांगी समाज से अभी आते हैं जी, दांगी समाज आते हैं और बाकी और हाँ लोग हैं, सुरेंद्र यादव भी सब तो फर्स्ट बार अभी जहानाबाद से चुनाव लड़े, पहले सब उन लोग गया से थे, तब अभी तो हम लोग अभी अपना अभी अभी तो हम लोग डांगी समाज के देखेंगे अभी इधर, आप चाह रहे हैं इस बार डांगी समाज, हाँ हम लोग अपना क्षेत्र में अभी तो डांगी समाज के भी लाना चाहेंगे, डांगी का पूरा इलाका है, हाँ ये पूरा डांगी का इलाका है, आप लोग भी उधर ही सोच रहे हैं क्या? जी डांगी तो जी, अभिषेक डांगी लड़े निर्दलीय, इस बार युवा है तो क्या लग रहा है, मतलब बुजुर्गों को टाइट टक्कर दे पाएंगे ये युवा चेहरा जो पहली बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, देखिए टक्कर दे पाएंगे अभिषेक डांगी, ऐसा लगता है देंगे, लोग कह रहे हैं कि डांगी बढ़िया उधर बोल, क्यों नहीं देंगे, देंगे ना, लेकिन पहले जो काम किए उनसे खुश नहीं है? नहीं। आप लोग क्या कह रहे थे, थोड़ा आप भी बता दीजिए, कितना माहौल हुआ है जहानाबाद में, आप लोग यहाँ पर हैं इस गांव में, कितना विकास हुआ है? विकास यहाँ पे अभी तक हम लोग का विकास समझिए तो 2% हुआ है, बाकी नहीं हुआ है, बस बाकी अभी अब हम लोग का उलट के इधर से रोड देख लीजिए अपना पंचायत में, इधर इधर की पंचायत में अगर रोड देखा जाए तो सबला खराब है, रोड देखा जाए पंचायत में, कलनौर पंचायत में आता है, तो इस पंचायत में सबसे कम विकास हुआ है, सबसे कम विकास हुआ है, खाली आते हैं वोट मांगने के लिए और वोट लेकर के चले जाते, उसको बाद तो फिर कोई पलट के देखो नहीं करता है, कौन तो वोट लेके कौन गया, आप ही लोग ने वोट दिए, वोट तो दिए हैं सब लोग, सब लोग जनता मिल के वोट दिया है, तो वोट आप ही लोग ने दिए आखिर वैसे उम्मीदवार को, वोट दिए जैसे माहौल उस समय आ करके बोले कि ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब माहौल पूरा बना के चल गए, इसलिए आकर के माहौल बना के पूरा चले गए, और बहुत लोग वोट दिया है, कुछ लोग दूसरा के भी वोट दिया है, ऐसा थोड़ी है कि सब उसके ही दे दिया है जो जीता है उसके ही। अच्छा सुरेंद्र यादव आरजेडी से इस बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं सुरेंद्र यादव और एक तरफ जहानाबाद से है चंदेश्वर प्रसाद, तो क्या लग रहा है? सुरेंद्र यादव तो इस बार लड़ रहे हैं पर वो तो गया जिला से,
हर वक्त लड़ते थे। तो सुरेंद्र यादव भी जो कुछ लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं और कुछ लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। जिसको लेके काम किए हैं वो वोट देगा, आप देंगे वोट सुरेंद्र यादव को या फिर चंद्रेश्वर प्रसाद को कि निर्दलीय लड़ रहे हैं अभिषेक गांधी, किसको देंगे? निर्दलीय लड़ रहे हैं माहौल देखेंगे और किसका माहौल अच्छा रहेगा, जो अच्छा काम करेंगे युवा के लिए, जो अच्छा काम करेंगे और रोजगार देंगे उनको ही वोट देंगे, चाहे कोई भी नेता रहे। माहौल तो पता चल गया होगा ना, क्योंकि अब तो दो प्रत्याशी तो हैं आरजेडी से और जेडीयू से, और निर्दलीय तो अभी जब तक चुनाव नजदीक नहीं, जब तक चुनाव नजदीक नहीं सटता है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किसका माहौल है, कौन काम करेगा। आता है तो बहुत कुछ कह के चल जाता है, काम करेगा, बहाने बहुत बनाए जाते हैं लेकिन काम होता नहीं, जो दावा होता है। हाँ, वो दावा नहीं होता, काम होता है। मतलब और सर आरजेडी से और बीजेपी के भी बात बोल रहे हैं, बीजेपी के तो कभी वोट दे ही नहीं सकते हैं। इतना बीजेपी से नाराजगी, नाराज हैं कि सब जितना युवा लड़का है जो सब के भविष्य बर्बाद कर दिए बीजेपी। हम भी आर्मी में सिलेक्ट हुए थे, मेडिकल भी फिट हो गए थे, सिर्फ हम लोग के से ही एग्जाम बचा हुआ था और आज 1.5 लाख लड़कन को भविष्य बर्बाद कर दिए, तो किस लिए वोट देंगे? आज रोड पर टहल रहे हैं, वोट कभी नहीं देंगे बीजेपी के, हम खुल के बोल रहे हैं। आरजेडी को दीजिएगा, आरजेडी को अभी हम कुछ नहीं, अभी माहौल, जब तक माहौल नहीं देखेंगे कौन अच्छा काम करेगा युवा के लिए, जो अच्छा काम करेगा उसका ही वोट मिलेगा। तो एक महीने में माहौल भाप लेंगे तो माहौल तो नजदीक चुनाव आएगा तब माहौल बनता है, कौन अच्छा काम कर रहा है कौन खराब काम कर रहा है। बहुत वहाँ के भाषण दे के यहाँ पे से चले जाता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, सब युवा को जो अच्छा अधिक करेगा उसका ही वोट देंगे। लेकिन आप लोग चाह रहे हैं नया विकल्प? हाँ, नया चाह रहे हैं। नीतीश दास के काम से खुश नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। नीतीश दास के काम से हम लोग कुछ नहीं ठीक है, बस युवा के लिए तो आज तक कुछ करवे नहीं किए हैं। पिछली बार जो नीतीश दास हम लोग को पैर छूते थे, पैरवा छू के बोलते थे कि वोट दे दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, हम लोग सपोर्ट भी किए और चुके वोट मांग लेते। हाँ, पैर छुए, बैठे हुए थे उस टाइम वहाँ पे आंगनबाड़ी के पास, हमको आके पैर छुआ और इस टाइम आने के लिए भी तैयार नहीं, देखने के लिए भी तैयार नहीं कि गांव कैसा है, कौन दिशा में जा रहा है, विकास है कि नहीं, आज तक पाते नहीं। सबसे बहुत कम विकास हुआ है, बहुत कम हुआ ही नहीं है, पूरा देहात वाला इलाका जैसा। हाँ, उनको थ्रू से 1% भी पैर छूके चला जाता है और जीतला के बाद फिर टाटा बाय बाय करके चला जाता है, फिर बाय बाय करके निकल जाता है। तो मूड आखिर आप लोग बनाए कि कुछ नया? हाँ, मूड तो नया, देखिए हम लोग को चाहिए जो युवा के लिए शिक्षित जो नेता है उनका ही वोट देंगे, और बाकी तो बोले वाला बहुत कोई कुछ बोल के चल जाता है वोट के लिए, और बाद में तो यहाँ पे कोई ऐबो नहीं करता है देखे कि का हो रहा है का नहीं हो रहा है। आज तक हम लोग के आप भी आए हैं उधर से, तो रोड देख ही रहे होंगे कि रोड खराब स्थिति था। ये कनौद पंचायत, कलनौर पंचायत की बात है, कलनौद की, कनौद कलनौर पंचायत, कलनौर पंचायत है, कलनौर का टोला है ढौपर। आप लोग सब मूड बनाए कि नया चेहरा? हाँ, नया चेहरा देखें, क्योंकि पुराने लोग कोई काम नहीं, देखिए नया तो आने के लिए आते ही हैं लेकिन वो लाइक काम नहीं करते हैं, भरोसा करते हैं हम लोग शुरू में लेकिन काम करेंगे लेकिन फिर जीत जाने के बाद फिर हम लोग भरोसा तोड़ के चले जाते हैं, यही हम लोग भरोसा करके नहीं। वहाँ पर कुछ खास ध्यान मतलब ज्यादा कोई नेता दे नहीं, वहाँ पे भी तो नहीं देता, लेकिन गाँव के लिए अगल बगल मैंने की जैसे रोड हो गया, गाँव में रोड नहीं है, इधर उधर ये सब कुछ पे ध्यान नहीं देते हैं, जितला के बाद कुछ है भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब पे कुछ ध्यान को लेकर कुछ कुछ भी नहीं, तो कुछ भी स्वास्थ्य सब कुछ भी मायने में एकदम 0%, एकदम 0% आए भी नहीं करता है, तो हम लोग देखने के लिए नहीं आते, तो अब जाते हैं वहाँ जहाँ बैठता है वहाँ इतना भीड़ रहता है कि वहाँ हम लोग कितना चिल्लाएंगे, चिल्लाते एक वहाँ एक आदमी थोड़ी नहीं रहता, हम लोग से बहुत सारा आदमी रहता है, हम लोग वहाँ जाएंगे उसके बाद में तो मौके नहीं मिलेगा, बोलता है कि आओ यहाँ आओ यहाँ, अब वहाँ जाएंगे हम लोग, इससे सब बहुत सारा वहाँ रहता है खड़े, इसीलिए ये सब बात है और क्या नहीं। मूड आप लोगों ने इस बार बना लिया है? हाँ, देखिए हवा अच्छा रहेगा उधर दे देंगे वोट, उधर देंगे जिधर काम अच्छा होगा, युवा के लिए भी काम अच्छा होगा, पूरा जनता के लिए काम अच्छा होगा, उधर ही अभिषेक दांगी के। हाँ, इस बार
अभिषेक दागी को देना चाहते हैं? हाँ देना चाहते हैं, कहीं करेंगे तो ठीक है, एक बार देख लेवल जाएगा। 5 साल को कुछ बोला नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जब तक काउंटिंग नहीं हो जाता हो तो कोई पता नहीं लगता है, पर एक माहौल तो बता रहे हैं। हाँ पर माहौल रहता है, माहौल अगर देख करके देखेंगे अच्छा माहौल है, सपोर्ट तो पूरी रहेगा, पूरी तरह से रहेगा। सपोर्ट करेंगे एक बार। चलिए तो जिस तरीके से ये युवा जो हैं कनौलत पंचायत के और धानपड़ जो गांव है जहानाबाद में और कनौलत पंचायत के जो तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं युवा जिनसे हमने अभी बात करी, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि विकास के नाम पर जहानाबाद और इस क्षेत्र में हालांकि जो नेता हैं जो सांसद हैं जो विधायक है वो दावा करते हैं लेकिन वोट लेने समय यहाँ की जनता को केवल पैर छूकर चले जाते हैं कि वोट उनको मिले और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। शून्य है इस क्षेत्र में विकास और इस बार लोगों ने ये मूड बना लिया है कि जो नया चेहरा होगा उस तरफ रुझान होगी जनता की और जो विकास करेंगे जो सचेत होंगे, क्योंकि जो पहले भी सांसद रह चुके हैं चंदेश्वर प्रसाद उनसे भी काफ़ी नाराज़ है जनता और सुरेंद्र यादव के नाम पर भी और हालांकि बीजेपी से भी नाराज़गी है लेकिन दांगी समाज के जो लोग हैं कई और जिस तरीके से जो क्षेत्र के जितने भी आम जनता है उनका जो ये कहना है कि इस बार जो है नया विकल्प देखेंगे, जो भी पहले यहाँ पर विधायक रहे हैं और वर्तमान में विधायक हैं जो सांसद रह चुके हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है, ना सड़क ना गली ना नाला ना नाली और जो स्वास्थ्य को लेकर भी कोई काम नहीं हुआ है, तो जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार जो है नया चेहरा और नए को विकल्प देना है। न्यूज़ 22 स्कोप की एक खास पेशकश जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से हम आपको दिखा रहे थे जहाँ जनता ने अपनी राय खुलकर अपने इस न्यूज़ 22 स्कोप प्लेटफॉर्म पर रखा है और बताया है कि जहानाबाद की जनता जो है इस चुनावी माहौल में अपना मिजाज किस तरफ जो है वो करती है। अपने सहयोगी शशि कुमार के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 22 स्कोप पटना।